हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी और आ गई एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप हिमाचल आ रहे हैं तो क्या क्या गाइडलाइन है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से हमें कुछ और न्यूज़ मिलती है और जब आप वहाँ पर रह रहे होते हो तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। एंड करेंटली आई एम स्टेइंग इन मनाली। इट्स बीन 12 डेज कि मैं मनाली शिफ्ट हो चुकी हूँ। पहले मैं शिमला में थी और वहाँ की कंडीशंस कुछ और थी, यहाँ की कंडीशंस कुछ और है। और क्या है वो कंडीशंस, कैसे अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए और आपको उस सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो ईजिली आप एंटर कर जाओगे हिमाचल। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल नोटिफाइड एवरी टाइम व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। बाय द वे मैं डेली व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ तो आपको मनाली की बहुत सारी प्लेसेस के बारे में, हिडन प्लेस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप हिमाचल एंटर कैसे करोगे। अब एंटर करने के लिए यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो टोटली बंद है, लाइक बसेस और ट्रेन्स ये सब चीज़ें बंद है, तो आप कैसे आओगे, आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा। और बाय रोड आने के लिए आपको ई पास जरूरी है, चाहे आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हो चाहे आप रेंट में हायर कर रहे हो, आपको ई पास बनवाना पड़ेगा। और ई पास बनाने के साथ साथ ही आपको वहाँ पर RT-PCR आपकी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट भी अपलोड करनी होती है विच इज मैंडेटरी। तो ये दो चीज़ें तो मैंडेटरी है जो आपको जरूरी है। सो दूसरा पॉइंट आता है स्टे का, अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन के लिए मोस्ट ऑफ द होटल, लॉजेस और होम स्टेज, हॉस्टल्स बहुत हद तक खुल चुके हैं। अभी भी कुछ कुछ बंद है पर मोस्टली ये सारी चीजें खुल चुकी है। आप इजीली ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग प्रायर कर लें, वो ज्यादा जरूरी है और सही भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी सिचुएशन ऐसी है, आपको नेगोशिएशन जो है वो फोन पे इजीली हो जाएगी। आप लंबे ड्यूरेशन के लिए बुक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फोन पे इजीली उनसे बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं उनके पास वाईफाई है कि नहीं, बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें है कि नहीं, क्योंकि कई जगह पर यह है कि उनके होटल तो ओपन है पर उनका किचन जो है वो बंद है, तो आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ रहा है खाना। सो दीज आर द सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन, क्योंकि वो भी सफर कर रहे थे तो उन्होंने भी स्टाफ नहीं रखा हुआ है, तो कई जगह पर ये वाली सिचुएशन भी हो चुकी है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि इफ यू आर कमिंग हियर आप प्रायोर में अपना अकोमोडेशन बुक कर ले और फोन पे उनसे सारी चीजें चेक कर ले। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि यहां पर एक्चुअल में क्या चीजें खुली है और क्या चीजें नहीं। तो यहां पर नॉट प्रॉपर लॉकडाउन नहीं लगा है, कर्फ्यू लगा है हिमाचल में, पूरे पूरे हिमाचल में कर्फ्यू है। तो इसमें क्या है कि 9 बजे से लेके 2 बजे तक, सुबह 9 बजे से दोपहर के 9 बजे तक शॉप्स जो है वो खुली होती है, उसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है। अब 9 से 2 बजे में कौन कौन सी चीजें खुली रहती है, तो कंप्लीटली एवरीथिंग इज ओपन फ्रॉम 9 to 2। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं रिसेंटली मॉल रोड गई थी मनाली का, तो वहां पर सब कुछ ओपन था, कपड़े की शॉप से लेकर डेली नेसेसिटी से लेकर कैफे से लेकर स्ट्रीट फूड से लेकर सब कुछ ओपन था। तो 9 से 2 बजे तक का ही टाइम है जिसमें सब कुछ ओपन होता है, उसके बाद जो है सब बंद हो जाता है। कुछ कुछ कैफेज और रेस्टोरेंट्स होते हैं जो टेक अवे के लिए ओपन होते हैं पर वो भी 5 या 6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, एज वेल एज टूरिस्ट प्लेसेस लाइक हडिम्बा टेम्पल, मनु टेम्पल और अटल टनल तक भी आपको अगर जाना है तो आप उसी ड्यूरेशन में जाओ, घूमकर वापस आ जाओ। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू, ताकि आपको रास्ते में भी कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम सब कुछ खुला हुआ होता है। अगर आप उसके बाद जाते हैं तो बीच में आपको पुलिस या फिर चेक पोस्ट में रोक लिया जा सकता है और पूछा जा सकता है, दे हैव राइट टू आस्क यू कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ घूम रहे हो, और गाँव वाले भी आपको पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ कि आप इस टाइम पे कहाँ घूम रहे हो क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है। फोर्थ पॉइंट जो कि मोस्टली आस्क क्वेश्चन भी है कि अगर हम यहाँ पर आ गए और सब कुछ बंद है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए खुला रहता है, तो हम क्या करेंगे, अब घूमने जा सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब से मैं मनाली आई हूँ तब से मैं हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ, और वो कैसे कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे बेस्ट टाइम है अगर आपको कहीं हाइक पर जाना है, आपको कहीं ट्रैक पर जाना है, आसपास के कहीं वाटरफॉल विजिट करना है, लाइक जोगनी वाटरफॉल गए थे हम गए थे यहाँ पर एक बड़ा पत्थर करके एक जगह है वहां पर हम गए थे, यहाँ पर और भी ऐसी छोटी छोटी सनराइज पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, तो वो आप
सुबह सुबह चले जाओ, अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे उठ के आप वो हाइक पे चले जाओ एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम. और उस टाइम पे बहुत ही अच्छा वेदर भी होता है क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी हो रही है मनाली में क्योंकि धूप बहुत हार्श होती है. तो आई वुड रिकमेंड कि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं और आप भी अगर इस तरफ आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप सुबह सुबह निकल जाओ कहीं हाइक पर या फिर कहीं घूमने के लिए, ताकि आप जाकर वहां पर घूम फिर के आके ब्रेकफास्ट कर लो और फिर वापस अपने होटल या होम स्टे जहां पर भी आप स्टे कर रहे हो आप वहां वापस आ जाओ. सो दिस इज द थिंग यू कैन डू. और इसके साथ साथ आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो. अब बात आई वीकेंड की, तो वीकेंड में अगर आपको 2 या 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, लाइक रिसेंटली वी वेंट टू सोयल विलेज जो कि एक ऑफ बीट प्लेस है इन नियर मनाली. ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है और इट्स अ स्मॉल विलेज. लोकेशन पे भी सर्च करोगे तो नहीं दिखेगा बट इट्स अ ब्यूटिफुल पैराडाइज इफ यू आर हेयर इन मनाली फॉर 10-15 डेज और फॉर अ मंथ. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वहां जाओ. वहां पर एक रिवर फॉरेस्ट कैफे है जहां पर आप उनसे परमिशन लेके वहां पर कैंपिंग कर सकते हो ओवर नाइट, विच वी डिड. एंड नेक्स्ट डे वी वेंट टू बिजली महादेव जो कि होली प्लेस है और उसकी अपनी एक बहुत मान्यता है और उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो वो उसका मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं कि वो कैसा था. ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वॉन्ट टू मैंशन दिस कि आप अगर हिमाचल में कहीं पर भी आ रहे हो, कहीं पर भी स्टे कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ जो कि रिकमेंड करूंगी कि आप जब एक्सप्लोर करने निकलो तो ट्राई करो कि बहुत जो टूरिस्टी प्लेसेस है, क्योंकि हमें बाहर से देख के सिनेरियो ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा था कि ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, पर स्पेशली इन मनाली देर आर अ लॉट ऑफ टूरिस्ट जो कि सिर्फ वीकेंड के लिए आते हैं या फिर सिर्फ 3-4 दिन घूमने के लिए आ रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट हैं, तो मेक श्योर यू अवॉइड दैट टूरिस्टी प्लेसेस. इंस्टीड ऑफ गोइंग देयर यू कैन गो एंड एक्सप्लोर सम हिडन प्लेसेस लाइक ऑफ बीट प्लेसेस. कोई विलेज चले जाओ और ऐसी कोई जगह जाओ जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो. तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी और आपको बताना चाहती थी कि इस तरीके से आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो इफ़ यू आर कमिंग टू हिमाचल. एंड इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, आपको कुछ पूछना है अबाउट दिस टॉपिक कि हिमाचल में और क्या आपको कोई ऐसी डाउट है जो आप पूछना चाहते हो, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई आंसर योर क्वेश्चन. And I hope you find this video helpful. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. We'll see you with another video. Till then, ta-ra, bye-bye, namaste.